फ्रेंड्स, ये है मेरा लोनावला का बंगलो और इस जगह को बोलते हैं गोल्ड वैली। ये देखिए, ये पूरा एक कंपाउंड है जो बहुत ही सुंदर बंगलो से बना हुआ है। ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे यहाँ बंगलोज बने हुए हैं। मोस्टली सब सेम टाइप ही हैं वैसे, थोड़ा गार्डन सबने थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है। और यहाँ पर एक कॉमन गार्डन है जो मैं दिखाती हूँ कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। चलिए तो गार्डन में चलते। ये है वो सुंदर गार्डन, वाओ। ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड विद ऋतु चौहान मल्होत्रा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऋतु चौहान मल्होत्रा में। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। सो दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ आप एक्चुअली आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ महाराष्ट्र की एक जगह जो मुंबई से कोई 100 किलोमीटर की दूरी पे है और उस जगह का नाम है लोनावला। जी हाँ दोस्तों, ये सुंदर जगह जो देख रहे हो आप, ये है लोनावला में। और मैं आई हुई हूँ अपने लोनावला वाले घर पे। मेरा एक घर है जो लोनावला में है, जो एक्चुअली मेरा हॉलीडे होम है। जब भी छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो मैं फैमिली के साथ, कजन्स के साथ यहाँ आना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि एक तो ये क्या है, बिल्कुल पास है, बॉम्बे से बिल्कुल पास है, कोई 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो, तो ट्रैवल टाइम बहुत कम है। और दूसरा, यहाँ का एक बड़ा ही अट्रैक्शन वाला एक पॉइंट है, में जब जो भी लोनावला आता है वो जगह पर विजिट करने के लिए ही आता है, और उस जगह का नाम है टाइगर पॉइंट। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज का एजेंडा क्या। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ टाइगर पॉइंट। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है अब। मैं हूँ अपने घर पे गोल्ड वैली, लोनावला में गोल्ड वैली है। और यहाँ पर ना रेंट पे अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं। अगर आप कभी भी विजिट कर रहे हैं लोनावला में, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, एयरबीएनबी पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बंगलोज मिल जाते हैं, 10,000 से शुरू होते हैं, अच्छे खासे बंगले होते हैं जिनमें स्विमिंग पूल भी होता है। आप इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ आने के लिए ना ये बेस्ट जगह है। आई वुड प्रेफर कि आप, मैं अपने दोस्तों के साथ अगर आसपास कहीं निकलना है ना, तो एक दिन के ट्रिप के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सो दोस्तों, मैं आ जाई हुई हूँ अपने कजन्स के साथ और फैमिली के साथ। अभी का प्लान ये है कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, मैं भी अपनी ट्रैकिंग के लिए तैयार हूँ, और हम लोग जा रहे हैं टाइगर पॉइंट। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइगर पॉइंट कैसा है और वो इतना फेमस क्यों है, लोग वहाँ जाना प्रेफर क्यों करते हैं, और वहाँ पर खाने पीने की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी। जा रही हूँ, देखिए कैसे जा रही हूँ मैं। बाइक राइड करने वाली हूँ दोस्तों आज मैं। मुझे बाइक पे जाने में बड़ा डर लगता है, लेकिन फाइनली मैंने ना अपना आज अपने आप को प्रिपेयर किया है कि मैं बाइक पे जाऊंगी, हिल्स पे चढ़ती हुई बाइक पे जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी वहां से टाइगर पॉइंट। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लोनावला की दूरी है कोई 100 किलोमीटर। अगर आप टाइम पे निकल जाएं, जब बॉम्बे में ट्रैफिक ना हो, तो आप 1.5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। अगर ट्रैफिक है तो 2-2.5 घंटे में आप लोनावला पहुंच जाते हैं। और ये है यहाँ का मेन मार्केट। मेन मार्केट से टाइगर पॉइंट की दूरी है कोई 13 किलोमीटर्स। तो चलिए अब शुरू होती है मेरी यात्रा। हम लोग जा रहे हैं बाइक पर, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। GPS दिखा रहा है कोई 35 मिनट्स में मैं टाइगर पॉइंट पहुँच जाऊँगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो लोनावला आना बहुत ही ईजी है, क्योंकि 100 किलोमीटर्स ही है। आप कैब से आ सकते हो, आप अपने व्हीकल से आ सकते हो। अगर आप पुराना वाला लोनावला वाला हाईवे ले लेते हैं, पुराना वाला, नॉट न्यू वाला, नए वाले पे 2-व्हीलर्स अलाउड नहीं है। आप दूसरे वाले से अगर जाते हैं, पुराने वाले से, तो आप 2-व्हीलर से भी जा सकते हैं, आराम से पहुँच सकते हैं। और बसेज भी जाती हैं, आप बस भी ले सकते हो। तो दोस्तों, 7 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं बाइक पे, और ये आ गया है पेट्रोल पंप। अब हम बीच में रुक के थोड़ा सा पेट्रोल डलवा रहे हैं, जिससे
रिटर्न में क्या है, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि और रिटर्न में भी डलवा सकते थे, लेकिन रिटर्न में हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो और भीड़ ज़्यादा हो, क्योंकि इवनिंग में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं निकलना टाइगर पॉइंट पे, और हम लोग थोड़ा सा ऐसे जा रहे हैं आफ्टरनून टाइम में, अभी हुआ है 3:30 बजे हैं, तो हम लोग इस टाइम पर जा रहे हैं जिससे हमें एटलीस्ट थोड़ा ट्रैफिक कम मिले, जाते में तो ट्रैफिक कम मिले, वापसी का तो अभी आइडिया नहीं है कि कितना ट्रैफिक होगा। तो चलिए पेट्रोल डलवाते हैं और जल्दी से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों रास्ता है लंबा, तो क्यों ना टाइगर पॉइंट और लोनावला से जुड़ी हुई कुछ बातें ही कर लें। आप जानते हैं कि टाइगर पॉइंट का नाम टाइगर पॉइंट क्यों रखा गया, क्योंकि अगर आप इस पहाड़ी को नज़दीक से देखें, जो टाइगर पॉइंट पर से पहाड़ी दिखाई देती है उसे नज़दीक से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर की आकृति नज़र आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई शेर इस घाटी से छलांग मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखने के लिए ना बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। शुरू शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि ओ लाइक दैट, नॉट बैड। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक पर पता नहीं क्या होगा, मैं कितना टायर्ड हो जाऊँगी, लेकिन नहीं यार, 14 किलोमीटर ही था तो ज़्यादा फार भी नहीं था, तो इट वॉज फन एक्चुअली बाइक पे आना, इट्स फन। ये देखिए ये एक्टिविटीज हैं यार। भाई मैं हूँ दिल्ली वाली और मेरे लिए ना पहाड़ देखना अपने आप में एक मेडिटेशन है। आई लव माउंटेन्स। और आसपास यहाँ इतने सारे स्टॉल्स हैं, आप खा पी सकते हो, काफ़ी कुछ मिलता है खाने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ टू ईट। तो दोस्तों यहाँ पर ना दो पॉइंट हैं, हम लोग आए हैं टाइगर पॉइंट पे और इसके पहले एक और है, उसको बोलते हैं लाइन पॉइंट। जनरली हम लोग आते लाइन पॉइंट पे उसको बोलते हैं टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट ये है एक्चुअली, उससे ऊपर आके, दैट इज़ लाइन पॉइंट एंड दिस इज़ टाइगर पॉइंट। बहुत प्यास लगी थी। हाँ हाँ, कड़क कॉफी, कड़क कॉफी। गर्मी तो है गाइस, गर्मी तो है। बाइक पे विंडी लग रहा था, एक्चुअली हवा ठंडी है, बाइक पे मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग रुके हैं तो यहाँ पर गर्मी, धूप भी है और बहुत गर्मी लग रही है। अरे आ जाओ भाई, कॉफ़ी ले लो। कॉफ़ी आ गई है भाई। मुझे एक्चुअली लग रही है भूख भी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेन्यू भी है बहुत बड़ा सा इन लोगों के पास। मैंने ऑर्डर की है मैगी और यहाँ पर चीज़ पकौड़े भी हैं, पकौड़े भी हैं, कॉर्न पकौड़ा भी है, बहुत सारी वैरायटी है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें खाने वाली हूँ मैं, अभी कॉफ़ी एंड मैगी एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा घूमूंगी और उसके बाद चीज़ पकौड़े भी खाऊंगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक्चुअली मेरे कज़न्स भी लोनावला में ही हैं और मेरे एक कज़न की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फाइनली पता चला है कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरी कज़न की अब तबीयत ठीक है और वो आ रही है साथ में, और अब मेरा पूरा गैंग यहाँ पर मिलने वाला है और मैं आपको सबसे मिलवाने वाली हूँ। ये है भाई इनकी छोटी सी किचन, यहाँ बन रही है मेरी मैगी। वेजिटेबल मैगी, टू हॉट। हरी मिर्च तो खाई लो ना उनको, ये देखना भर के लाई है हरी मिर्च, ये देखो है? इनको बोल दिया था क्या तुमने, हरी मिर्च दे देना मुझे, हरी मिर्च ही हरी मिर्च, ऐसी कितनी सारी हरी मिर्च।
बड़ी सूपी है लेकिन बाहरों के हिल स्टेशन पे जो मैगी खाने का मजा है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी। सो दोस्तों, टाइगर पॉइंट घूमने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं लाइन पॉइंट के लिए। हमारे सारे कजन्स हमारा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो चलिए अब लाइन पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइगर पॉइंट और लाइन पॉइंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टाइगर पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पर है लाइन पॉइंट और व्यू भी सिमिलर टाइप ही दिखाई देता है। यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो है सनसेट और सनराइज का टाइम। लाइन पॉइंट क्यों बोलते हैं उसको, टाइगर पॉइंट बोलते हैं आगे वाले को? अरे टाइगर पॉइंट है, वो आगे शूलिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? शूलिंग। शूलिंग, शूलिंग? हाँ। वहाँ पर क्या होता है? ऐसे बहुत अच्छा हो भी। अच्छा, और आगे है वो आगे। और ऊपर है। दिस इज लाइन पॉइंट, लाइन्स पॉइंट। मामू, ये है मामू। फाइनली वी हैव रीच्ड। ये है नानी। नानी के पैर में आते ही कांटा लगा। बाकी लोग कहाँ है हमारे? चलिए तो जरा ढूंढते हैं बाकी लोगों को। ये है लाइन्स पॉइंट। ये है नानू। हाँ नानू, तो फाइनली आप आ गए। हाँ, मेरे कुछ कजन्स हैं जो कनाडा से आए हुए हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये लोग जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये सारे आए हुए हैं कनाडा से। और हमारा यहाँ आने का एजेंडा यही था कि इन लोगों को थोड़ा सा घुमा देते हैं। एक्टिविटीज में कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और साथ में पैराग्लाइडिंग भी होती है। और यहाँ पर आने का जो बेस्ट वेदर है वो है मॉनसून। मॉनसून में बूशी डैम देखने लायक होता है, तो जब भी आप विजिट करें कोशिश करें कि आप मॉनसून में आप लोनावला जरूर आए। तो फ्रेंड्स, ऐसा रहा ये टाइगर पॉइंट विद कजन्स एंड फैमिली। वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत मजा आया। अब बस ये फाइनली चाय पी रहे हैं हम लोग, लास्ट चाय। दो चाय पहले पी चुके क्योंकि भजिया वगैरह खा रहे थे, तो वी थॉट के चलो एक चाय और पीते हैं और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। और ऐसा रहा ये टाइगर पॉइंट, कैसा लगा आपको ये टाइगर पॉइंट देखकर? मज़ा आया? ऑफ कोर्स मज़ा आया तो होगा आप लोगों को देखने में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और टाइगर पॉइंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई जगह, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।